से सांस नहीं चाहिए क्योंकि ये मर चुकी है। एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। Thank you.
तू अकेले ही आएगा या किसी गर्लफ्रेंड के साथ? मैं जहाँ जाता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा मेरे साथ होती है. She's always in my heart. You guys carry on with your plan.
मैं नहीं आ सकती. Come on, Aashika. It'll be fun. जानती हूँ लेकिन I can't come यार. Please. Aashika यार, तुझे क्या हो गया? ऐसे क्यों behave कर रही है? Don't force me on this topic, please. Please यार. Aashika, तुम मेरे लिए भी नहीं चलोगी? Please, मेरे लिए आ जा. Come on, please. Okay, मैं आऊँगी. पर सिर्फ तुम्हारे लिए. Yeah. Yeah. guys. Trouble. Guys. सब बॉटल्स बांधो, quick. ये वो वाला भी. Hello, sir. Happy New Year, sir. एडवांस में शेखन क्या करता है? बाहर निकल, गले मिलता है तुझसे. निकलो सब लोग बाहर. करता है तुम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर. चलो. सर छोड़ो ना सर, जाने दो. मेरी मॉम की तबीयत खराब है और हम सबको वहाँ जल्दी पहुँचना है. प्लीज सर, भगवान के लिए हमें जाने दीजिए. यह ओवर एक्टिंग मत कर, चल. दारू पी के गाड़ी चलाते तुम लोग, मालूम कितनी बड़ी सजा है? बहुत बहुत बड़ी सजा है सर. सर असली वाला हैप्पी न्यू ईयर. क्या तुम लोग बिना गाड़ी दारू पी के चलाते हो? चलो कोई बात नहीं, संभल के गाड़ी चलाने का और ज्यादा स्पीड भी नहीं बढ़ाने का, समझे क्या? कोई बात नहीं. हैप्पी न्यू ईयर. बाय. अरे सर के साथ एक फोटो तो खिंचवा ले. फोटो. कम टेक अ पिक. आई विल टेक. Promise me, तुम कभी किसी लड़की के पीछे नहीं जाओगे. और अगर तुम गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी. और तुम अगर किसी और लड़के के साथ चली गई तो I'll have to kill that bastard because I can't kill you. That day will never come. गाड़ी तो मैं ही चला रहा. अगर तुझे नहीं चलना है तो लौट जा. आई सेड आई एम सॉरी. यू श्योर यू विल ड्राइव? क्या हुआ? कौन था साला? सीएट वाला. रुका भी नहीं. इट्स ऑलरेडी 9:00. आर यू श्योर मुंबई जाना है? 3 घंटे में न्यू ईयर शुरू हो जाएगा. सही बात. हाँ यार, मुंबई अभी भी 125 किलोमीटर दूर. क्या बोलते? वेल फ्रेंड्स, आई एम एंजॉयिंग द राइड. 1 घंटे में पहुंचा दूंगा. आई नो अ शॉर्टकट. कम ऑन गाइस. Thank you.
hell is that? It's maybe a cradle? I know. मेरा मतलब है कि वो यहाँ रोड पे क्या कर रहा है? पर ऐसे जंगल में कैसे छोड़ सकता है कोई? क्या पता? I'll just go take a look. Please stop it, Prem. Come on, guys. ऐसे सफर में थोड़ा तो खेल बनता है. What? Whatever, man. Seriously, you're too much. Look at your faces. Come on, let's go. लिफ्ट मांग रहा है शायद. उसे बिठाएंगे कहाँ? आगे मत जा. क्या हुआ आपको? सब मर गए. कौन मर गए? तुम सब भी मारे जाओगे. अपने घर वापस चले जाओ. रिलैक्स. क्या हुआ आपको? किसने मार दिया? किसको मार दिया? सवाल मत पूछो. जो मैं कहता हूँ वो सुनो. यहाँ सबके लिए खतरा है. वो जो पेट्रोलिंग कॉप था उसे कितनी दूर छोड़कर आए हैं? 5-15 minutes probably. इसे उसके पास छोड़ा है? I think सही कह रहा है. लेकिन गाड़ी में जगह ही नहीं है. कौन उतरेगा नीचे? जज, मैं नीचे नहीं उतरूंगा. फट्टू, मैं उतरती हूँ. मैं भी आता हूँ. मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे. मैं कह रहा हूं आगे मत जाओ. गाड़ी को वापस लो. अंकल, अंकल प्लीज. पड़ा होगा कहीं पर टली होगी. लगता है उसने उसको भी मार डाला. मैंने कहा था, मैंने तुम्हें उसे कहा था. किसने मार दिया?
किसको मार दिया अंकल? कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। अरे यहीं कहीं होगा यार। कितनी बार मैंने रोड ली है पर नेटवर्क की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है। मैं जैक्सन डिया को बुला के लाता हूँ। बी केयरफुल। तुमने तो डरा ही दिया था यार। Come on guys, let's go. Yeah, let's go. क्या यार? क्या? कहा उससे? क्या? ना, नहीं कह पाया। तो क्या आरती उतार रहा था उसकी? Come on guys. Let's go man. तुम्हारे पास ये गन क्यों है? क्या पता कहीं भी जरूरत पड़ जाए। और वैसे भी मैंने किसी से कुछ वादा किया था। प्रेम तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। विवेक थैंक्स। इशू ये है, इस आदमी का क्या करना है? इसे इस तरह तो यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते। और उसे साथ भी लेके नहीं जा सकते, गाड़ी में जगह नहीं है यार। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। या गाइस देखो वहाँ उस आदमी को, उसमें ट्रांसफर करते। यस सही बात। Stop, hey, stop, 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 stop,
पुलिस को तो इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर कैसे विवेक? There's still no network. एक काम करते हैं। इस वायरलेस से किसी पेट्रोलिंग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। क्यों? चला गया सर। छोड़ ना गाइस, हमें रास्ते में एक आदमी मिलता है, हमने उसको लिफ्ट दी, अब उसको जहां जाना था वो चला गया यार, उसकी मर्जी। उसी आदमी की चीखने की आवाज है ना गाइस? कौन था वो? अरे मरता है तो मरे यार। कम ऑन गाइस, लेट्स लीव। एक मिनट प्रेम, जरा गाड़ी रोक। विवेक, विवेक क्या हुआ? अब इससे क्या हुआ? What's wrong? विवेक, हुआ क्या? जब हम लोगों ने चलना शुरू किया था तो मुंबई 125 किलोमीटर था। सो? एक घंटा ड्राइव करने के बाद भी आई थिंक गलती से लग गया। दैट्स द ओनली एक्सप्लेनेशन। गलती से यहाँ कैसे लग सकता है? मैं पहले से तुम लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रही थी, पहले पुलिस वाले का ब्रूटली मर्डर होना, हमारे सेल फोन पे नेटवर्क नहीं है, इस सड़क पर गाड़ियां नहीं है, और उस पुलिस वाले की वॉकी पर वो अजीब सी आवाजें। फटी पड़ी है और तुझे गाने की सूझ रही है? ये कोई ओकेशन है यार? अंताक्षरी खेल रहा हूं, इसी बहाने रास्ता कट जाए। चल ठीक है, तू गा ले। क्यों, क्या हुआ? कोई नहीं, मैं अकेला ही, कहीं दीप जले कहीं दिल। गाड़ी को रोक दी गाइस? गाइस मैंने
पीछे किसी को देखा। What? नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कोई औरत वो सफेद कपड़ों में। अबे हम लोग पहले से डरे हुए हैं और ये हमें और डरा रहा है। प्रेम क्यों कर रहा है यार ऐसा? अरे क्या कर रहा हूँ मैं, झूठ क्यों बोल रहा है? तुझे कैसे पता मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो साबित कर, जो बोलेगा हार जाऊंगा, और अगर झूठ हुआ ना तो यहाँ से पैदल जाएगा तू। और अगर सच हुआ तो आशिका मेरी। आप आ कहाँ से रहे हो? कुछ बोलो। लगता है शौक में है। गाइस इसे डॉक्टर की जरूरत है। हम खुद रास्ते भटके हुए हैं, डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? वैसे भी हम कितनों को संभालते पड़ेंगे। Listen after me guys, let's just forget and leave. इन्हें हम ऐसे नहीं छोड़ सकते जैक्स। Guys, guys, there's a board. आरोग्य निधि हॉस्पिटल। कहीं ये वहीं से तो भाग के नहीं आएंगे? देखो अगर इसको साथ में लेना है तो हमें से किसी एक को यहाँ पर उतरना पड़ेगा। Not me this time. एक घंटे में दो बार, इतनी स्टैमिना तो है नहीं तुझे। What? What did you say? Okay यार रिलैक्स। देख जब मौका मिलता है झगड़ना शुरू कर देते हो। मैं उतर जाता हूँ यहाँ पर, तुम लोग इसे लेकर जाओ हॉस्पिटल। वहाँ जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देना क्योंकि वहाँ फ़ोन ज़रूर होगा। मैं यहीं वेट कर रहा हूँ, वापस आते वक्त मुझे पिकअप कर लेना। Vivek, what are you saying? It's not safe here. Relax, Aashika. साथ मैं दूंगा। Vivek. बड़ा अजीब चक्कर है प्रेम, फोन में कवरेज नहीं है, एक आदमी मिलता है गायब हो जाता है, पुलिस वाले की लाश गाड़ी से गिरती है और फिर हमें एक औरत मिलती है। सिंपल थ्योरी है विवेक, गाड़ी में वो किलर है जिसने कॉप को मारा, हमें एक आदमी मिलता है जो कि किलर से भाग रहा है, और शायद हो सकता है कि हम दोनों में से किसी एक को किलर के हाथ मारना पड़े। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग जा पा रहे हैं। कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई रोड साइड होटल नहीं, कोई गाड़ी भी नहीं जा रही इस रास्ते पे। दिया स्टॉप स्टॉप दिया स्टॉप। ये कोई फॉरेस्ट ऑफिसर या पुलिस की अबैंडन पोस्ट लगती है ना दिया? जैक जाके देख के आना। No, I'm not getting down. फट्टू साला। मैं जाकर देख कर आती हूँ, ओके? आशिका कहाँ है तू?
दिया, there's a phone here. Phone is dead, Diya. लड़की है या लड़का? मैंने बच्चे कभी संभाले नहीं है. इसको सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी. कपड़े हटा दूं? इसे सांस नहीं चाहिए क्योंकि ये मर चुकी है. Let's go back to the spot. उन्हें वहीं ढूंढते, okay? Come on. हाँ चलो चलो. Guys, ये तो वही कार है जिसमें से कॉप की लाश गिरी थी.
क्या हुआ प्रेम? You were right. हम अभी भी वहीं के वहीं हैं। गाड़ी इतनी चल रही है लेकिन गाड़ी में पेट्रोल भी कम हो गया। 2-3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाएगी। ये रास्ता है कि खत्म होने का नाम ही नहीं। मुझे लगता है हमें कच्चे रास्ते से जाकर देखना चाहिए। नहीं, तुम लोग बाहर नहीं जाओगे। आशिका प्लीज समझने की कोशिश करो, गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा नहीं है, हम लोग बहुत दूर तक नहीं जा सकते। मैं और प्रेम नीचे जाकर कच्चे रास्ते से देख कर आते हैं, तुम दोनों गाड़ी के कांच और दरवाजे बंद करके अंदर ही बैठोगे। प्रॉमिस मी। यस। Life is unpredictable, buddy. जिंदगी में जो चाहते हैं वो होता है। Who knows? अभी हम दोनों एक साथ चल रहे हैं। आगे जाके सिर्फ मैं ही रह जा अकेला। इसका उल्टा भी तो हो सकता है प्रेम, और एक्चुअली होना इसका उल्टा ही चाहिए, क्योंकि मेरा तो फिर भी कोई इंतजार कर रहा है, तेरे लिए तो कोई भी नहीं। तूने आशिका जैसी लड़की को खो दिया। You're a bloody loser. क्या कहा तूने? मैंने कहा कि यू आर अ लूजर। क्या बोला तूने? हाँ, क्या बोला? हाँ, से इट अगेन। हाँ, लूजर? व्हाट यू कॉल मी? प्रेम। लूजर? फिर से बोल। प्रेम। दिया, ये गन की आवाज थी ना? हाँ, मैंने प्रेम के हाथ में गन देखी थी। दिया, प्रेम ने विवेक को मार दिया होगा। मैंने प्रेम की आंखों में विवेक के लिए नफरत देखी है। वो उसे कुछ भी कर देगा। मुझे जाना होगा विवेक के पास। आशिका, नहीं, विवेक ने हमें गाड़ी से उतरने के लिए मना किया था। पर दिया, मुझे विवेक के पास जाना ही होगा। Thank you.
आशिका, विवेक, आशिका, विवेक, विवेक कहाँ है? विवेक कहाँ है प्रेम? आशिका, आशिका रिलैक्स, आशिका, तुमने विवेक का बात डाला ना? मेरी बात सुनो आशिका, किससे चलाई थी? आशिका मेरी बात सुनो, बताओ, यू कैन, मेरी बात सुनो आशिका, शट अप आशिका। खाना खा लीजिए। आप जानती हैं इसे? तुम जानती हो इसे? हाँ, ये पूनम है। इसकी यही डिलीवरी हुई थी। ये कहाँ रहती है? पता नहीं। क्यों? कुछ नहीं। खाना खा लीजिए। एड्रेस पे जाना है।
ओके मैडम, बैठे। थैंक यू। सॉरी आशिका, ये सब मेरी वजह से हुआ। नया इस ट्रिप किसी और मकसद से आया था। मैं समझता था कि मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें और कोई नहीं कर सकता। तुम्हें सिर्फ मेरा हक है और इसीलिए मैं विवेक को मार देना चाहता था। What an irony of life। तुम लोग इस मुश्किल में पड़े सिर्फ मेरी वजह से। मेरी वजह से जैक्स की मौत हुई, फिर विवेक की मौत हुई। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। I never thought I would say this, but Vivek was a very nice guy. He really deserved you. He really loved you. मैं तो कुछ भी नहीं। Vivek चाहता था कि उसे कुछ भी हो जाए, तुम सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। That's the kind of guy he was. Please, don't cry, Aashika. I promise you one thing. कि मुझे अब जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। साजिश है कैसी, ख्वाहिश है कैसी, क्या हो रहा है Thank you.
लगता है गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा हुआ, वैसे भी हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं और ये रास्ता सही भी है या नहीं। मतलब हम लोग भी मर जाएंगे। दिया, मुझे नहीं मरना। दिया, हमें कुछ नहीं होगा। ये ना, हमने जब भी ये गाड़ी रोकी हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ। Aashik, let's throw this damn car. हम लोग उस कच्चे रास्ते से पैदल चलते हैं until we find a way. और guys, let's all stick together. हाँ, मैं नहीं जा रही तुम लोगों के साथ। I'm not going. दिया? नहीं जाना तुम लोग के साथ। Shut up. Shut up, दिया. I said just shut up. I said. Why should I shut up? You shut up. I'm not shutting up. दिया, control yourself, please. दिया, keep quiet. I said come back in the car. दिया, रुक जा, please. I said come back in the car. दिया, come back. दिया, where are you, दिया? Where the hell are you, दिया? दिया, देखो कहाँ जाने गए? Oh God. Okay.
कौन? तुम यहाँ? धीरे बोलो, वो जाग जाएगी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता है मेरे सारे दोस्त? मुझे सब पता है, तुम सबको मार डालेगी, वो एक एक करके मार डालेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। मैंने तुम लोगों को फोन किया था ना, अब जाओ यहाँ से। लेकिन कौन हो तुम? कहाँ गया वो? यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं रहता, और किसकी बात कर रही हो तुम? यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ, अकेली। मुझे पूनम से मिलना है। पूनम मर चुकी है, चली जाओ यहाँ से। मर गई? प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, आखिर पूनम चाहती क्या है? आपको पता है मेरे सारे दोस्त जो मेरे लिए सब कुछ थे, एक एक करके मेरे आंखों के सामने मर गए, और जिसका बच्चा मेरे पेट में है उसने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। इसलिए आई हैव नो रीजन टू लिव, मैं मरना चाहती हूँ। मैं, I will kill myself. मैं। करीब 7 साल पहले मेरे बेटे की शादी पूनम से हुई थी। बिताना पसंद करते हो, जितना वक्त उन्हें देते हो। अगर उसे आधा भी मुझे दिया होता तो आई वुड हैव बीन प्रेग्नेंट बाय नाउ। तुम्हें ना मुंह लगाना ही नहीं चाहिए, घूम फिर के रोज वही डिस्कशन। आई एम फेड अप ऑफ यू। यू आर फेड अप? आई एम फेड अप? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं कि प्लीज मेरे साथ सो जाओ, प्लीज मुझे बच्चा चाहिए? इस सिलसिले में मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। Is that clear? Yeah, clear. के साथ अपने बेटे की शादी करवा के मैंने बहुत बड़ी गलती की। यार तू भी ना, बिल्कुल पक्का कल मिलते हैं? या परफेक्ट, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। पागल हो क्या, देख नहीं रही? फोन पे बात कर रहा हूँ मैं। कुछ नहीं यार, बाद में बात करते हैं, बाद में करता हूँ ना तेरे को कल। पागल हो गई हो तुम? फोन तोड़ दिया तुमने पागल औरत, क्यों? क्यों? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ ये जानने के लिए कि डॉक्टर ने क्या कहा, और तुम? डॉक्टर सेड दैट वी कांट हैव अ बेबी, गो गेट अ टेस्ट ट्यूब बेबी। मुझे मां बनने का शौक तुम्हारे साथ है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट स्टूपिड प्रोसेस। वो तो नहीं हो सकता, और जो हो सकता है वो ये कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग बच्चा पैदा करके छोड़ देते हैं, उसमें से किसी को अडॉप्ट कर लो। Damn it! मुझे हमारा बच्चा चाहिए, मुझे तुम्हारा और मेरा बच्चा चाहिए, प्लीज। वो तो नहीं हो सकता। Why? Because you are a fucking gay.
stop it. And keep your volume low. अपनी आवाज नीचे रखो. सच सुना नहीं जाता ना? हाँ? जब इतनी खूबसूरत बेबी घर में हो और तब भी आदमी का घर में दिल ना लगे तो इसका मतलब है कि वो आदमी ना मर्द है. Stop, stop it. I said, stop it! बहुत चुपता है ना ये लफ्ज कि तुम ना मर्द हो. आदत डाल लो. आज इस घर के अंदर कह रही हूं, कल खुलेआम कहूंगी. That you are fucking impotent. You bastard, तुम ना मर्द हो. ना मर्द हूं मैं, ना मर्द हूं. क्या हूं मैं, क्या हूं? Let me go. बहुत खुश हो गई थी. टेस्ट रिपोर्ट्स आर पॉजिटिव एंड यू आर प्रेग्नेंट. रियली? या, बिलीव मी. पर प्रेग्नेंट होने के बाद पूनम का व्यवहार अजीब सा हो गया था. सूरत सेहत. जी बीबी जी. कुबिया! मेरे बच्चे को नजर लगाती है डायन? नहीं बीबी जी, मैं नजर क्यों लगाऊंगी? ये तो अपने ही घर का बच्चा है. किसी का बच्चा नहीं है ये, ओके? सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा है. आज के बाद अगर तू मुझे मेरे बच्चे के आसपास नजर आई तो मैं गला घोट के तुझे मार दूंगी. वी कॉल इट पोस्टपार्टम डिप्रेशन. डिलीवरी के बाद काफ़ी लड़कियों में ये होता है एंड साइकोलॉजिकली उन पर बहुत इफेक्ट होता है. एंड इन योर वाइफ्स केस शी नीड्स काउंसलिंग. यू डू वन थिंग, आप उन्हें लेकर तुरंत मुंबई चले जाइए. वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट है डॉक्टर जोसेफ, आप उनसे मिल लीजिए. ओके? 31 दिसंबर की रात वो मेरे बेटे के साथ मुंबई से वापस अपना इलाज करवा के लौट रही थी. रात को 9 बजे एक रोड एक्सीडेंट में उन सब की मौत हो गई. उस हादसे ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया. इट्स अ रियल ट्रेजेडी. लेकिन इसमें मेरे और मेरे दोस्तों का क्या कसूर?
एक्सीडेंट कितने बजे हुआ? 9 बजे. इट्स ऑलरेडी 9 o'clock. आर यू श्योर मुंबई जाना है? और उनके पास कौन सी गाड़ी थी? वो मेरे पति की पुरानी काली फीएट थी. लापरवाही की वजह से आप हमेशा के लिए अकेली हो गई. शायद यही होनी थी, यही मेरे कर्म थे. तुम्हारे दोस्तों को भी अपने कर्मों की सजा मिल गई. सजा तो मुझे भी मिलनी चाहिए थी. जितनी गलती उनकी थी उतनी ही मेरी. उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने तुम्हें नहीं छोड़ा. तुम्हारे अंदर पल रहे इस बच्चे ने तुम्हारी जान बचाई है. हाँ माँ. तुम कहाँ चली गई हो? मैं वापस आ रही हूँ. तुम्हें पता है तुम्हारा अबॉर्शन हुआ है? इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है. बाप रे, क्या किया आपने? ऐसा क्यों किया? Oh,
दिन से ठीक से सोया भी नहीं। रोज का नाटक है, एक्सीडेंट फैक्सीडेंट है, अपनी लाइफ की तो लगी पड़ी है। हाँ यार, ये क्या क्या है? हे, पल, 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 पल। तू पढ़ना अच्छा अंग्रेजी। या यू आर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्या बात है, अबे लगता है कि लव लेटर है। हाँ। पल, 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 पल। पढ़ना दिल सिक्स बड़े।